अरिहंत प्रभु और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मेरी दीक्षा कैसे हुई? मुहूर्त से लगाकर नामकरण तक हुए विधि विधान आदि के जीवंत प्रसारण स्वरूप बंद आंखों से ऐसा अनुभव कीजिए कि मानो आपकी की दीक्षा हो रही हो। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से जरूरत पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। जैसे ही दीक्षा का मुहूर्त मिला, मेरे आनंद का कोई पार नहीं रहा। मोर को मेघ मिले और निर्धन को माया मिले, उससे भी ज्यादा आनंद का अनुभव मुझे हो रहा था। शादी व्यापार आदि के मुहूर्त तो भव भव से मिलते आ रहे थे, मगर शायद पहली बार इस युगों से भ्रमित आत्मा को कर्मों से विजय प्राप्त करने का मुहूर्त मिला था। परिवार और रिश्तेदार भी उमंग में थे। वेश पर कंकु छाटा जा रहा था, नंदावर्त स्वस्तिक आदि किए जा रहे थे। दीक्षा मड़ो मने आज मारे सजवो संयम सा, मणो मने आज मारे सजवो संयम सा, मारे सजवो संयम साज मारा प्यारा। साहब एक नहीं पण हजारों वंदन छे ई मयूर भाई ने, ई सोनल भाई ने, के जेमणे एक नहीं पण जन्मो जन्म ना पुण्य भेगा थया हसी त्यारे आ आंगणे आवी दीकरी छे। સદીઓ પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાપુરુષ એમને અનેક આવી ઉપાસના અને અનુષ્ઠાન સ્વરૂપ રચનાઓની રચના કરી છે। એવા શ્રી સિદ્ધસેન સુરીશ્વરજી ભગવાન એમને સામાન્ય રીતે સિદ્ધર્ષિ ગણી મહારાજ તરીકે બધા ઓળખે છે। એવા શ્રી સિદ્ધસેન મહારાજ એમણે આ શક્રસ્તવની રચના કરી। જેમ ઇન્દ્ર મહારાજાએ મેરુ શિખર ઉપર શક્રસ્તવ દ્વારા ભગવાનની 1008 શ્લોકો દ્વારા સ્તુતિ કરી હતી, એના અનુકરણ રૂપે આ શક્રસ્તવમાં 273 વિશેષણો દ્વારા શ્રી પ્રભુની સ્તવના થઈ રહી છે। प्रभु के वर्षी दान का प्रतीक भव्य वर घोड़ा निकाला गया, लक्ष्मी की आसक्ति मिटाने वर्षी दान दिया गया। एक मनोरथ एवो छे वेश श्रमण नो देवो छे, एक मनोरथ एवो छे
પીશ શમણ નો લેવો છે, એક મનોરથ એવો છે પીશ શ્રમણ નો લેવો. છોટી સે ઉમર માં મારી દીક્ષા કરાઈ, ગુરુદેવ ના હાથે મને ઓગો અપાઈ દી. છોટી સે ઉમર માં મારી દીક્ષા કરાઈ, ગુરુદેવ ના હાથે મને ઓગો અપાઈ દી. दीक्षा के ठीक एक दिन पहले विदाई समारोह भी रखा गया. कोई प्रबल पुण्य के सुफल से मुझे मिलेगा संयम मेरा मने, कोई प्रबल पुण्य के सुफल से मुझे मिलेगा संयम मेरा मने. कंकु छाटे स्वस्तिक करते इस वेश को सब है लगे रंगने. बर घोड़ा चला वर्षिदान किया, पल विदाई का अब आया है. संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है. अगली सुबह ठीक समय पर दीक्षा की क्रिया आरंभ हुई. नाण स्थापित किया गया, उसमें तीन लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु की चौमुखी प्रतिमा स्थापित की गई. पंचमी गति प्राप्त करने और चौगती से छुटकारा पाने पांच स्वस्तिक बनाए गए. धूप दीप आदि प्रगटाए गए. प्राचीन काल में राजा जब युद्ध भूमि पर जाते थे, तब राजा की माता या धर्म पत्नी विजयी भव का आशीर्वाद देते हुए ललाट पर विजय तिलक करती थी. ठीक उसी तरह मेरे परिजनों ने मुझे भी इस कर्म युद्ध की रणभूमि पर भेजने से पहले मेरे मस्तक पर विजय तिलक कर विजयी भव का आशीष दिया. तत्पश्चात गुरुदेव ने देव वंदन करवाया. अरिहंत, 24 तीर्थंकर, शांतिनाथ प्रभु, द्वादशांत की स्तुति करवाई. श्रुत देवता, शासन देवता, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं को वैवच्य हेतु सहायता हेतु याद किया गया. दीक्षा की क्रियाएं शुरू हुई, मंडप में सजा है समवसरण. दीक्षा की क्रियाएं शुरू हुई, मंडप में सजा है समवसरण. चौमुखी प्रभु प्रतिमा शोभे, हुआ विजय तिलक देव वंदन. वैया वच में समकित धारी, देवों को भी बुलवाया है. संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है. दीक्षा की क्रियाओं को करते हुए मुमुक्षु गुरुदेव से तीन आदेश मांगता है. मैंने भी मांगे. मम मुंडा वे, हे गुरुदेव मेरा मुंडन करो. मम पव्वा वे, हे गुरुदेव मुझे प्रवज्जित करो. हे भगवान, मारी प्रार्थना, मारी अर्जी, मारी काकलू दी के हवे मने मुंडन करो. બીજી વાર માંગણી કરે છે, હે ભગવાન હવે મને પ્રવ્રજ્યા. રજ્યા એટલે પરિભ્રમણ, અને પ્રવ્રજ્યા એ એવું પરિભ્રમણ કે 84 ના ચક્કર માંથી આત્માને બહાર કાઢે. ત્રીજો આદેશ, મમ વેસમ સમપ્પેહમ. મમ વેસમ સમપ્પેહમ. સમપ્પે, હે ભગવાન મને વેશ આવેશ છોડાવે
इन तीन आदेशों के बाद गुरुदेव ने मुझे रजोहरण प्रदान किया। हर्ष और उमंग में मेरे कदम थिरकने लगे, मानो गुरुदेव ने मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया हो। रजोहरण मिलते ही मेरे नैना खुशी से छलक पड़े। संयम यात्रा शुरू होते ही ये निश्चित हो गया कि देव गुरु कृपा से अब मेरी भव यात्रा का अंत होगा। मुंडन कर दो, प्रवचित कर दो, गुरु धवल वेश अर्पित कर दो। मुंडन कर दो, प्रवचित कर दो, गुरु धवल वेश अर्पित कर दो। नहीं रहे स्मृति संसार की अब, मेरा तन मन परिवर्तित कर दो। मैंने गुरु कृपा की सदा पाई, अब रजोहरण जी दीक्षा का मंगल स्नान और वेश परिवर्तन करके जब मैंने मंडप में पुनः प्रवेश किया तो दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी की जय जयकार के गगनभेदी नारे गूंजने लगे। गुरुदेव ने क्रिया आगे बढ़ाते हुए मुझे सम्यत्व उच्चराया। मस्तक पर शेष बचे सात बालों का सहजता से लोच किया, करेमी भंते का पच्छखान दिया, मन वचन काया से सर्व सावध्य के त्याग का तथा नव कोटि का पच्छखान दिया, मेरा नामकरण किया। मारू नाम साध्वी श्री शासन सम्राट समुदाय ना अग्नियावर्ती साध्वी श्री जी चारित्र श्री जी तेमना शिष्या साध्वी श्री हेमलता श्री जी तेमना शिष्या साध्वी श्री भव्य प्रज्ञा श्री जी तेमना शिष्या साध्वी श्री समय प्रज्ञा श्री जी अने तेमना शिष्या तमारु नाम साध्वी श्री धर्म प्रज्ञा श्री। और इस तरह गुरुदेव ने मेरी पूर्व की सारी सांसारिक स्मृतियां हमेशा के लिए मिटा दी। समर्पण की साधना ही मोक्ष दिलवाती है। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तीनों लोक में पूज्य बना दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? मैंने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, इस चंचल और भ्रमणशील मन के वशीभूत होकर मैंने बड़े दुख उठाए, बड़ी मुश्किल से इसे अपने वश में करके संयम का मार्ग अपनाया है। आज से ये मन मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं, अब आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि होगी। मेरा मन ही नहीं, जीवन भी आपको समर्पित रहेगा। गुरुदेव ने लोच किया मेरा, मुझे करे निभंते उचराया। किया मेरा मुझे करे निभंते उचराया। मन से वचन से काया से हर पाप का त्याग पचखाया। नया जीवन और नया नाम मिला, प्रदीप ने शीश झुकाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। और इस तरह देव गुरु कृपा से मेरी दीक्षा संपन्न हुई। धन्य है जिन शासन को जिसने मुझे आत्मशुद्धि का अधिकार दिया।